सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है इंडिया की मोस्ट लव्ड फैमिली कार वैगन आर। बहुत ही अच्छी बिकने वाली गाड़ी है ये और अपने सेगमेंट की किंग है स्टार्टिंग से ही, जब से लॉन्च हुई है। बात करने वाले हैं आज इसके हम ZXi मॉडल के बारे में। सेकंड टॉप मॉडल है इसका और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर मारुति ऑफर करती है, क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं, बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले तो इसके अंदर CNG वाला वेरिएंट भी आता है। वो वाला वेरिएंट सिर्फ 1000 CC के CNG इंजन के साथ आता है। ये इसके सामने जो आज सामने खड़ा है हमारे, वो पेट्रोल इंजन है इसका 1200 CC का। अगर हम बात करें इसके इंजन की सबसे पहले तो 1200 CC का काफ़ी पावरफुल इंजन इसके अंदर हमें मिल जाता है। अच्छी खासी इसके अंदर इंजन कैपेसिटी हमें मिल जाती है। तो 66 BHP 113 Nm के टॉर्क के साथ काफ़ी अच्छी पावर फिगर्स इसके अंदर हमें मिल जाती है इंजन के अंदर। नीचे की बात करूं तो काफ़ी अच्छे से प्लेसमेंट इसकी कर रखी है और काफ़ी अच्छा इसके अंदर इंजन कैपेसिटी मिल जाती है एक हैचबैक कार के हिसाब से। और बात करें अगर हम इसके फ्रंट लुक की तो उसके अंदर हमें हेलोजन में इसके अंदर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, कन्वेंशनल हेडलैम्प्स मिलते हैं इसी के अंदर हाई बी में, इसी के अंदर लो बी में। नीचे इंडिकेटर प्रोविजन है, फॉग लैंप नहीं मिलते ZXi मॉडल के अंदर, तो आपको वो एसेसरीज लगवाने पड़ेंगे फॉग लैंप। बाकी इसके अंदर कुछ फ्रंट लुक ऐसा मिलता है। ये स्टॉक कार इस टाइम पर खड़ी है हमारे सामने ZXi मॉडल, जस्ट प्लांट से आई हुई, तो कुछ ऐसी इसके अंदर हमें मिल जाएगी। इसके बाद आप एसेसरीज में आप और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अपग्रेड करवा सकते हैं अपने हिसाब से। फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो मैट ब्लैक फिनिश के अंदर इसके अंदर ग्रिल मिलती है, क्रोम लाइनिंग ज़रूर से मिल जाती है, सुजुकी का लोगो मिलता है। नीचे की बात करूं तो मैश ग्रिल इसके अंदर जो मिलती है हमें स्लॉटेड ग्रिल, वो भी इसके अंदर ब्लैक फिनिश के अंदर मिलती है, मैट ब्लैक फिनिश के अंदर। फ्रंट में अगर मैं बात करूं तो अच्छे खासे डिसेंट साइज अमाउंट के साथ इसके अंदर विंडस्क्रीन मिल जाती है, दो इसके अंदर वॉशर्स मिल जाते हैं, वाइपर का प्रॉपर सेट मिलता है आपको। तो फ्रंट लुक इसके अंदर कुछ ऐसा निकल के आ जाता है, मतलब आज ही मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी सेल्स बरकरार रखी हुई है इसने और काफ़ी अच्छी इसके अंदर जो माइलेज निकलती है और जो कस्टमर इसे पसंद करते हैं बजट फ्रेंडली होने के नाते, तो वो काफ़ी अच्छी सेल्स इसकी आज भी अच्छी खासी मार्केट के अंदर चल रही हैं। बात करूँ अगर मैं व्हील साइज़ की तो इसके अंदर हमें कुछ ऐसा व्हील साइज़ मिल जाता है जिसके अंदर हमें R14 का व्हील साइज़ मिलता है, 14 इंची का इसके अंदर टायर साइज़ मिलता है, ब्लैक कलर के इसके अंदर स्टील रिम मिलते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, रेयर में डम ब्रेक मिलती है। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 165/70 R14 की इसके अंदर प्रॉपर टायर प्रोफाइल मिलती है आपको। व्हील कैप ज़रूर से लगे हुए मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। इंडिकेटर जो है वो फेंडर पे ही मिलता है, मतलब यहाँ पे मेरे को लगता है कि सेकंड टॉप मॉडल के अंदर मारुति को इंडिकेटर यहीं पे दे देने चाहिए थे, बट चलो ठीक है, जो उनको समझ आया वो ठीक। बट अगर आप ORVM की बात करें तो ये प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं बट फोल्डेबल नहीं है, फोल्डेबल आपको खुद करने पड़ेंगे। बॉडी कलर में ORVM मिल जाते हैं, हैंडल्स जो हैं इसके वो भी बॉडी कलर में आपको मिल जाते हैं। कीलेस एंट्री मिलती है, मतलब कीलेस एंट्री रिमोट वाली नहीं मिलती यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटर लॉकिंग ज़रूर से मिल जाएगी आपको। ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें प्रॉपर माइक्रोफाइबर एंटीना मिल जाता है, डिटैचेबल है, आप हटाना चाहते हो हटा सकते हैं। जो सेंटर के इसके अंदर बी और सी पिलर मिलते हैं बैक वाले, तो मैट ब्लैक फिनिशिंग के अंदर आते हैं अगर आप यहाँ पे लोग चेकआउट करें, तो फ्रंट पिलर भी इसके अंदर अगर दे देते तो एक प्रॉपर डुअल टोन आफ्टर मार्केट लोग करवा के एक अच्छा खासा अपीलिंग लुक यहाँ पे निकल जाता। तो अगर मैं पूरी साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसी साइड प्रोफाइल इसके अंदर मिल जाती है। बात करते हैं एक बार इंटीरियर से कि इंटीरियर में क्या लुकिंग इसके अंदर हमें मिलती है, फिर बात करेंगे इसके रेयर प्रोफाइल की। तो इंटीरियर हमें कुछ ऐसा इसके अंदर मिल जाता है। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छी वाइड ओपनिंग इसके अंदर हमें मिल जाती है गेट की, कि इन एंड आउट होना काफ़ी आसान हो जाएगा। जो डोर पैड इसके अंदर हमें मिलता है वो ऑल ब्लैक इंटीरियर के साथ मिलता है, कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं है प्रॉपर। इसके अंदर चारों पावर विंडो मिलती हैं, जो इसके अंदर ORVM है आपको मैंने बताई दिया था, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है। जो इसके अंदर लीवर मिलता है हमें सिल्वर फिनिशिंग के अंदर मिलता है। नीचे 1 लीटर की पानी की बॉटल, कुछ डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर का प्रोविजन यहाँ पे हमें मिल जाता है। इंटीरियर की बात करें तो डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, जो फैब्रिक इसके अंदर मिलता है वो भी डुअल टोन फिनिशिंग के अंदर मिल जाता है हमें। तो इंटीरियर से मैचिंग इसके अंदर जो सीट अपहोल्स्ट्री है वो कंपनी ने दे रखी है। बैठ के बात करते हैं इसके अंदर हमें इंटीरियर में क्या फीचर्स, कैसे फीचर्स मिलते हैं। इंटीरियर से बात करें तो कुछ ऐसा इसके अंदर इंटीरियर हमें मिल जाता है, मतलब डुअल टोन में काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर इसके अंदर हमें मिल जाता है। बात करूँ सेफ्टी की सबसे पहले तो इसके अंदर 2 एयरबैग हमें मिल जाते हैं, एक डैशबोर्ड में यहाँ पे मिलता है और एक हॉर्न पैड पे। और अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो सेकंड टॉप मॉडल में आपको स्टीयरिंग में माउंटिंग कंट्रोल्स प्रॉपर मिल जाते हैं, सिल्वर लाइनिंग मिल जाती है, एडजस्टमेंट मिल जाती है अप एंड डाउन की, टिल्ट एडजस्टमेंट इसके अंदर प्रॉपर मिल जाती है, आप लॉक कर सकते हैं जहाँ पे आप लॉक करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो बेस मॉडल वाला ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर दे रखा है, मतलब आपको कोई भी टैकोमीटर नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ स्पीडोमीटर इसके अंदर प्रोविजन में मिलता है आपको। स्टीयरिंग कंट्रोल ज़रूर से मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हेडलाइट कंट्रोल्स की, तो आपको नॉर्मल हेडलाइट कंट्रोल्स इसके अंदर मिलते हैं। वाइपर कंट्रोल्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो नॉर्मली वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं। और यहाँ पे अगर मैं सेंटर में इसके अंदर हमें बटन बेस्ड स्टीरियो मिल जाता है,
जहाँ पे आपको ऑक्स और यूएसबी का प्रॉपर सॉकेट मिल जाते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और साथ साथ ब्लूटूथ भी इसके अंदर हमें कंपनी के साथ मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि किसी को अगर चेंज नहीं भी करवाना कभी भी तो वो इसके साथ काफ़ी अच्छे से चला सकता है, क्योंकि ब्लूटूथ एक बेसिक नीड है जो आजकल हर कोई यूज़ करता है। और साथ में साथ आपको यूएसबी सॉकेट मिल जाते हैं, ऑक्स सॉकेट मिल जाता है। नीचे अगर मैं बात करूँ तो हज़ार्ड का स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है, उसके नीचे अगर हम बात करें तो और मैनुअल एसी मिलता है इसके अंदर। नीचे अगर हम देखें तो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिल जाता है, मतलब बेसिक यूटिलिटी के सारे फीचर्स मारुति ने इसके अंदर दे रखे हैं। फोन रखने की कुछ स्पेस मिल जाती है। 5 स्पीड का इसके अंदर आपको गियर बॉक्स मिलता है रिवर्स के साथ, और काफ़ी अच्छी इसके अंदर फिनिशिंग दे रखी है। बेस मॉडल वाला एटलीस्ट गियर नॉप नहीं यहाँ पे दे रखा। सेंटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो मैनुअल हैंडब्रेक मिलती है क्रोम टिप के साथ। यहाँ कुछ इसके अंदर स्पेस मिल जाती है, एक बॉटल स्पेस और कुछ की रखने की आप स्पेस बोल सकते हैं। पीछे बात करूँ तो कोई इसके अंदर यहाँ पे बॉटल स्पेस नहीं मिलती। डैशबोर्ड में अगर मैं बात करूँ तो उसके ग्लव बॉक्स में काफ़ी अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ यूटिलिटी स्पेस इसके अंदर हमें मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो इसके अंदर एसी कंट्रोल्स हैं वो काफ़ी यूनिक तरीके से दे रखे हैं। साइड एसी वेंट्स जो दे रखे हैं वो प्रॉपर सर्कुलर शेप में और 360 रोटेशन के साथ दे रखे हैं, ये मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं। और साथ साथ अगर हम ऊपर की बात करें तो कैबिन लैंप इसके अंदर हैलोजन में मिलता है, सिर्फ आगे की तरफ कैबिन लैंप मिलता है, और यहाँ पे हमें डे एंड नाइट एडजस्टमेंट के साथ IRVM मिल जाता है। सनवाइजर की बात करूँ तो इसके अंदर मिरर ज़रूर से मिल जाता है, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ड्राइवर साइड सिर्फ टिकट होल्डर का प्रोविजन यहाँ पे दे रखा है मारुति ने, तो ये कुछ था इसका फ्रंट से लुक। अगर हम देखें तो काफ़ी एक अपीलिंग लुक है, बजट फ्रेंडली गाड़ी है ये, ज़्यादातर लोग इसे CNG में पसंद करते हैं क्योंकि एक बचत हो जाती है, इकोनॉमिकल कार बन जाती है CNG के अंदर। और सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है CNG की, क्योंकि हर कोई बचाना चाहता है, पेट्रोल के प्राइस यहाँ बढ़ रहे हैं, और साथ साथ पेट्रोल की गाड़ी उतना रेंज नहीं दे पाती जितना CNG की गाड़ी दे देती है। फ्रंट पिलर्स के अंदर ब्लैक में मिल जाते हैं, बाकी पिलर्स के अंदर क्रीमिश कलर के ही मिलते हैं। तो ये था कुछ फ्रंट से लुक। सीट भी अच्छी खासी इसके अंदर दे रखी है। अगर लंबर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो लंबर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर दे रखा है, मतलब लॉन्ग जर्नीज पर आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होने वाली। और लेग स्पेस भी अच्छा खासा दे रखा है। नीचे की तरफ डेट पेडल का प्रॉपर प्रोविजन यहाँ पर दे रखा है, और पेडल्स की जो गैपिंग है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है कि आपको इक्वल कार मतलब चलाने में गाड़ी दिक्कत ना हो, कि अगर आप ब्रेक दबा रहे हैं तो आपका पैर क्लच पे ना लगे या फिर रेस पे ना लगे, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी दे रखी है। क्लच काफ़ी स्मूथ इसके अंदर दे रखा है, और गियर एंगेजमेंट काफ़ी स्मूथ है, तो मतलब ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और यही चीज़ कस्टमर देखता है गाड़ी लेते हुए। तो फ्रंट लुक कुछ ऐसा था। इसके अंदर बात करते हैं इसके रेयर लुक की, कि रेयर लुक में क्या कम्फर्ट और क्या फीचर्स इसके अंदर मारुति देती है। बात करूँ ड्राइवर साइड पावर विंडो के स्टेयरिंग के नीचे, तो इसके अंदर स्टार्ट एंड ऑफ का इसके अंदर फीचर यहाँ पे मिल जाता है, और बूट हुड खोलने के लिए यहाँ पे आपको लीवर मिल जाता है, साथ साथ पेट्रोल लिड इसके अंदर यहाँ से मिल जाती है आपको। तो ये कुछ था यहाँ से लुक। बात करते हैं इसके अंदर रेयर कम्फर्ट की। गेट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रॉपर ऑल ब्लैक रेयर गेट भी इसके अंदर मिल जाता है। डोर पैड पावर विंडो के कंट्रोल जरूर से यहाँ पे मिल जाते हैं हमें। और बात करूँ तो नीचे 1 लीटर की पानी की बॉटल, कुछ डॉक्यूमेंट स्पेस, स्पीकर का प्रोविजन आपको यहाँ पे मिल जाता है। बात करते हैं रेयर सीट की, बेंच सीट नहीं मिलती इसके अंदर हमें, 60-40 का इसके अंदर स्प्लिटिंग मिल जाती है, तो ये चीज़ अच्छी है। अगर आप बूट स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप बूट स्पेस कैपेसिटी अपनी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, और ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है कि 60-40 स्प्लिट दे देना चाहिए, कि हाईवे पे चलते हुए अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर बूट एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि वो कभी कभी करना पड़ जाता है फैमिली के साथ, तो उस केस में आप गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसेंजर थोड़ा उधर शिफ्ट होगा, एक सीट फोल्ड कर दो और आराम से आप बूट एक्सेस कर सकते हो। हेडरेस एडजस्टेबल नहीं मिलते, कोई से भी हेडरेस एडजस्टेबल नहीं मिलते, चारों के चारों इसके अंदर फिक्स हेडरेस मिलते हैं। इसके अंदर लंबर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो लंबर सपोर्ट इसके अंदर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बात करें इसके अंदर इंटीरियर में फीचर्स की, तो सिर्फ फीचर्स के हिसाब से सिर्फ आपको पावर विंडो यहाँ पे मिल जाती है और स्पीकर मिल जाता है। नीचे कोई ज़्यादा हम्प नहीं है, मतलब 3 बंदे आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं। लंबर सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है, पार्शियल ट्रे ज़रूर से मिल जाती है। तो ये कुछ था इसके अंदर इंटीरियर के लुक। बात करें एक बार इसकी बूट स्पेस की और फ्यूल कैपेसिटी की, तो रेयर से लुक कुछ इसके अंदर हमें ऐसा मिल जाता है। जो टेल लाइट इसके अंदर मिलती है वो प्रॉपर हेलोजन सेटअप के साथ मिलती है, इंडिकेटर, रिवर्स लैंप और ब्रेक लाइट यहाँ पे मिल जाती है आपको। ऊपर की तरफ भी इसके अंदर ब्रेक लाइट मिलती है जो इसके अंदर हेलोजन बेस्ड आती है। तो जो इसके अंदर मिरर मिलता है वो भी प्रॉपर रॉ मिरर मिलता है, इसके अंदर कोई भी डिफॉगर का प्रोविजन यहाँ पे नहीं मिलता। नीचे क्रोम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ वैगन आर की बैजिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। नीचे बात करूँ तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमें बूट स्पेस मिलता है, 341 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। मतलब 4 से 5 बंदों का लगेज आराम से कैरी कर सकते हो आप इसके अंदर, और बिना कोई हैसल फ्री, मतलब हैसल फ्री लगेज कैपेसिटी इसके अंदर मिल जाती है आपको। काफ़ी डीप इसके अंदर लगेज कैपेसिटी मिलती है। जो इसके अंदर हमें स्टेपनी मिल जाती है वो भी 14 इंची की ही मिल जाती है, तो साइज़ का कोई भी इसके अंदर कॉस्ट कटिंग नहीं कर रखी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। नहीं तो कॉस्ट कटिंग के नाम पे कंपनीज एक साइड डाउन कर देती है। पार्शियल ट्रे का प्रोविजन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर बूट की बात करूँ तो हैवी तो काफ़ी है ये, या फिर अभी नहीं है तो उसकी वजह से लग रहा है। 32 लीटर की इसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है आपको, तो हाईवे पर बार बार आपको रिफिलिंग नहीं करवानी पड़ेगी, क्योंकि इंजन माइलेज अच्छी निकाल देता है, तो उस हिसाब से फ्यूल कैपेसिटी अच्छी खासी डिसेंट इसके अंदर रखी गई है।
तो ये था इसका कुछ ऑल ओवर वॉक अराउंड, क्या फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं और क्या इसके अंदर हमें स्पेस एंड कन्वीनियंस के फीचर्स मिलते हैं एज अ फैमिली कार। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर आती रहेंगी और वॉक अराउंड्स, डिटेल वॉक अराउंड्स चैनल पर पब्लिश होते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।